एनडीए के पेपर में एक एज लेने के लिए आपको पांच ब्रह्मास्त्रों की जरूरत है। पहला पेपर अटेम्पशन स्ट्रेटजी, दूसरा कैलकुलेटेड गेस मेथड, तीसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, चौथा वैदिक मैथमेटिक्स, पांचवा थिंग्स विच यू हैव टू टेक इन द एग्जामिनेशन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सारे शॉर्ट ट्रिक्स और स्ट्रेटजी जो मैंने अपनाई थी एनडीए का पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए। आई एम 110% श्योर दैट आफ्टर सीइंग दिस वीडियो यू विल डेफिनेटली गेट एन एज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स हु आर गिविंग दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद यू एंड यू विल स्कोर मोर देन देम। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपकी एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस अकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। पेपर अटेंशन स्ट्रेटेजी। एनडीए का पेपर 30-40-30 के फॉर्मेट पे बना है। दैट मीन्स 30 इजी क्वेश्चंस, 40 मीडियम एंड 30 हार्ड। तो आपको ये 70% ऑफ क्वेश्चंस इजी एंड मीडियम इनको टारगेट करना है। 70% ऑफ क्वेश्चंस मतलब 86 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120। एनडीए का पेपर मार्क्स का पेपर नहीं है, ये टाइम का पेपर है। तो आप लोगों को ये जो टाइम है इसको बचाना है ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सको। अभी आप स्क्रीन पे देखिएगा। इसलिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज़ करके मैं आपके पास तीन ऑप्शन लाया हूँ, तीन तरह की स्ट्रेटजी जो आप अपना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ एक्यूरेसी। अज्यूम करते हैं कि इस बार कट ऑफ हाईएस्ट चल जाता है, दैट इज़ 40%। आज तक 35 से ज़्यादा नहीं गया, बट लेट से क्योंकि हमारा बैड लक भी ख़राब है, स्पेशली मेरा, तो 40% चला जाता है। तो हमारे पास तीन स्ट्रेटजी आती हैं। पहला, आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस यू कैन अटेम्प्ट 55 क्वेश्चंस जिनमें से 50 करेक्ट होते हैं और 5 गलत। तो ऐसे करके आपके बन जाएंगे 121 मार्क्स। इन दिस एक्यूरेसी इज 90% बिकॉज 55 में से आपको 50 सही करने हैं। सेकेंड, 120 में से आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और 60 में से 51 सही होते हैं और 9 गलत। तो इससे आपके वे वापस से 120 से ज़्यादा मार्क्स बनते हैं, बट इसमें एक्यूरेसी थोड़ी और आपको लीवे मिलती है, 85%। और तीसरी एंड द स्ट्रैटेजी विच आई यूज्ड, 70 क्वेश्चंस जिनमें से 54 आपके सही हैं और 16 आपके गलत। तो ऐसे करके आपके फिर से 120 के ऊपर, एंड दिस इज विद द एक्यूरेसी ऑफ 77%। तो पहले पेपर मिलते ही आप सबसे पहले ये 30% जो इजी क्वेश्चन है इनको अटेम्प्ट कीजिए। परसेंट ऑफ 120, 36 क्वेश्चन। ये 36 क्वेश्चन हैं जो आपको एक कॉम्पिटिटिव एज दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे वो सीक्वेंस वाइज जाएंगे, तो उनके एंड में जो इजी क्वेश्चन हैं वो छूट जाएंगे। तो आप सबसे पहले इजी क्वेश्चन कीजिए, ये 36। फिर उसके बाद आते हैं 40% ऑफ मीडियम क्वेश्चन, आप इनको टारगेट कीजिए। एनडीए का पेपर जो है वो इजी और मीडियम में ही 86 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये 86 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और बाकी के जो 30% हार्ड क्वेश्चन हैं उनमें तकरीबन 5 मिनट जाएंगे और आपका पेपर नहीं निकल पाएगा। तो आप सिर्फ तभी कीजिए अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है और आपको इजी मीडियम बिल्कुल भी नहीं आता है। कोई मैं आता हूँ कैलकुलेटेड गेस मेथड पे। ये मेरा फेवरेट मेथड है क्योंकि इससे मेरे को एक एज मिला था मेरे कॉम्पिटिटर्स पे एंड आई वॉज एबल टू क्लियर माई मेरिट ऑल्सो इन द फाइनल मेरिट लिस्ट, ऑल थैंक्स टू द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैंने इसमें कुछ नहीं लगाया, मैंने बस प्रोबेबिलिटी जो स्कूल में पढ़ी थी वही पेपर में लगाई। लेट से 10 क्वेश्चन हैं जिनमें आप श्योर हैं कि आउट ऑफ 4 दो तो डेफिनेटली सही हो सकते हैं। इन दैट केस बाय यूजिंग दिस प्रोबेबिलिटी का लॉ देर इज़ अ 50-50% चांस कि 5 सही हैं और 5 गलत हैं। 5 सही होने पे आपको मिलते हैं 12.5 मार्क्स, 5 गलत होने पे आपके डिडक्ट होते हैं -4.15 मार्क्स, टोटल 8.3 मार्क्स मुनाफा प्रॉफिट। लेट से कि योर लक इज़ बैड एंड आउट ऑफ 10 इंस्टेड ऑफ 5 तुम्हारे 3 सही हो जाते हैं और 7 गलत, तो टोटल में यू गेट 7.5 -5.6, दैट इज 2 मार्क्स, स्टिल यू आर इन पॉजिटिव।
बट डू दिस ओनली इफ यू थिंक दैट यू आर अ बॉर्डर लाइन केस और आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई एम जस्ट रिपीटिंग इट अगेन, प्लीज लिसन टू दिस, कि डू दिस ओनली इफ यू आर श्योर 110% कि ए बी सी डी में से सी डी नहीं हो सकता. सब्सिट्यूशन मेथड, हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जाता. क्वेश्चन देखते ही आपको ये समझना है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है या आंसर को क्वेश्चन में डालना है, बिकॉज यू हैव गिवन फोर ऑप्शंस. ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज, बायनोमियल थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब्जेक्ट्स, इन चैप्टर्स में आपको ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी मिलेंगे. तो क्वेश्चन देखते ही आप सबसे पहले ये देखिए कि आंसर मैं पहले निकालूंगा क्वेश्चन में डालकर या क्वेश्चन से आंसर निकालूंगा. ठीक है, क्वेश्चन में तुम फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल लोगे. इट्स बेटर यू जस्ट सब्सिट्यूट एंड चेक कि व्हाट ऑल पॉइंट्स आर देयर ऑन द लाइन. इससे तुम्हारा आंसर भी निकल जाएगा, मार्क्स भी मिल जाएंगे और टाइम भी बच जाएगा. जैसे कि इस क्वेश्चन में, अगर हम ऑप्शन 1, 2, 3 इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो तीनों ही सेटिस्फाई नहीं करा पाएगा, और चौथे ऑप्शन के डालते ही तीनों एक्स वाई जेड इक्वल हो जाएंगे और ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी और आपको आंसर भी मिल जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा. उस गिवन टाइम में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा ओवर योर कॉम्पिटिटर्स. वैदिक मैथमेटिक्स कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, और दुनिया का जितना भी ज्ञान है वो हमारे वेदों में. एनडीए का पेपर मार्क्स का पेपर नहीं है, वो टाइम का पेपर है. जितना टाइम आप बचाएंगे उतने आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और उतना आपका कट ऑफ क्लियरिंग का ज़्यादा चांस है. तो प्लीज़, वैदिक मैथमेटिक्स इज यूज फॉर फास्टर कैलकुलेशन. मैनी वीडियोज आर देयर ऑन यूट्यूब. आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ फास्टर कैलकुलेशन. लेट्स मल्टीप्लाई 12 × 34. दोनों के यूनिट्स डिजिट में 2 और 4 है. उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको फाइनल नंबर का यूनिट्स डिजिट मिल जाएगा, दैट इज 8. फिर हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 + 3 × 2, दैट गिव्स अस 10. 10 का जो 0 है वो फाइनल नंबर का 10th डिजिट बन जाएगा और जो 1 है वो कैरी ऑन हो जाएगा. फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1, उससे हमें मिलेगा 3, बट वो 1 जो पहले कैरी ऑन हुआ था उसके साथ मिलके बन जाएगा 4, जो कि अब हमारा हंड्रेड्स का डिजिट है. तो फाइनल नंबर विल बी 408. ऐसे काफ़ी ट्रिक्स हैं यूट्यूब पे जिनको आप यूज़ कर सकते हो. आई वुड सजेस्ट डोंट वेस्ट मच टाइम, जस्ट यूज़ मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स एंड एडिशन ट्रिक्स, बिकॉज एनडीए के पेपर में ज़्यादातर वो यूज़ आता है. बाकी जो फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन है और जो आपके सब्जेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है, जो चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन है, वो तो आप कर ही रहे. और अगर आपको कोई भी ऐसी बुक चाहिए जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ ज्वाइन दैट. और अगर आप यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन दैट, जस्ट राइट इन कमेंट्स कि सर आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन, आई विल सेंड यू पर्सनली द लिंक. पेपर एक्सेसरीज में आपको आवश्यकता है इन 5 चीज़ों की. पहला एडमिट कार्ड, ऑफकोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. दूसरा आईडी कार्ड, फोटो आइडेंटिटी, उसमें आपका फोटो होना चाहिए एंड इट वुड बी बेटर अगर वो आपके एडमिट कार्ड से मैच करेगा. ब्लैक बॉल पेन, क्योंकि मैंने खुद ब्लू बॉल पेन यूज़ करके थोड़ा सफ़र किया है, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ आपको ब्लैक बॉल पेन यूज़ कीजिए और कम से कम 2 से 3 पेन लेके जाइएगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपका लक उस दिन क्या चलेगा. उम्मीद करता हूँ आपको ये पेपर स्ट्रेटजी काम आएगी. कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा. अगर आप कमेंट्स लिखते हैं और लाइक द बटन दबाते हैं तो एल्गोरिथम को पता चलता है कि दिस इज़ गुड वीडियो, और ये वीडियो जो है मैक्सिमम लोगों के पास पहुँच सकता है और मैक्सिमम लोग पेपर क्लियर कर सकते हैं. सो ऑल द बेस्ट. जय.